सब्सक्राइब कीजिए दीप्स फूड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सत श्री अकाल जी, स्वागत है ताडा मेरे चैनल दीप्स फूड विच। अज असी बनावांगे मिठी चटनी जिहड़ी कि व्याहां दे विच खास करके आपां देखते हाँ कि बनी हुई बहुत टेस्टी लगती है। इदां दी टेस्टी आ कि चटनी घर विच भी बना सकते हैं, बनाउण दा प्रोसैस भी बिल्कुल ईजी आ, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो वधिया तरीके नाल बना के तुसीं घर दे विच, लॉकडाउन होया पिया आ, बाहरों मार्केट पूरी बंद आ, कोई भी समान नहीं मिल रहा। जे तुसीं पकौड़े वगैरह कट रहे हो तो नाल इह वाली चटनी बना के जरूर अपने घर दे विच खावो तुसीं। सब तो पहला एक भांडे दे विच असी गर्म पानी लै लिया, इहदे विच हुण असी इमली पाउणी आ। 250 ग्राम के करीब मैं इमली लई आ इहदे विच, ते असी इस गर्म पानी दे विच इमली जिहड़ी आ पा देनी आ। पा के इस नूं चंगी तरह चम्मच दे नाल तुसी हिला सकते हो कि पूरी तरह इहदे विच डिप कर जावे। डिप होएगी ते इहदियां गिटकां अलग हो जाणियां, इस दा सिरपिया अलग हो जाणा है कि इह पूरे तरीके नाल घुल जाएगी। इसमें चंगी तरह हिलाते रहना तुम्हें, तो ये पूरी तरह घुल जाएगी। दो मिनट बाद देखोगे कि पूरी तरह पानी के मिक्स हो गई है। इसमें असी एक छाननी भी लै सकते, कुछ भी लैके जो कट के थोड़ा जहा हाथ के नाल मसलना आ, ता जो इसका गाढ़ापन जोड़ा आ गिटकों से होर ये थोड़े होंगे छिलड़ जे वो एक साढ़े भांडे च ना आन। तो ये छाननी जो इस जड़े भी असी जिस छान रहे हाँ उहदे विच ही रह जाण, अलग अलग इस नूं करना आ। तो इस प्रकार असी सारा एक इमली का जिहड़ा सिरप आ ये कढ लिया अलग। तो दूजे पासे असी लई आ चीनी, एक कौली चीनी दी लई आ, ते उसका हाफ हिस्सा गुड़ लिया आ। चीनी तुसी देख सकते हो एक कौली आ, तो हाफ हिस्सा गुड़दा आ। एक पैन दे विच गर्म पानी असी कर लिया, तो उहदे विच चीनी पा देनी आ। चीनी ते गुड़ पा के इसनू चंगी तरह असी मिक्स कर देना, ते फ्लेम नू जिहड़ा आ तुसी लो ते रखना आ, लो फ्लेम ते इसनू पकाना आ। ये चंगी तरह गाढ़ा होना चाहिदा आ, देखो कि लो फ्लेम ते इसनू पकांदे ये गाढ़ा हौली हौली होना शुरू हो जाएगा। ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਸ਼ਨੀ ਆ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਮਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਪ ਆ ਇਮਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਅ ਫਲੇਮ 'ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। इमली का कलर रैड बनाने लिए असी इसदे विच रैड फूड कलर जिहड़ा वह यूज़ किया, तुसी वह वाला पा सकते हो, नहीं ऑप्शनल है, नहीं भी पाना कोई प्रॉब्लम नहीं। इदा तो रैड फूड कलर असी पा के इस चंगी तरह मिक्स कर देना। ये जी चटनी बिल्कुल साड़ी बन के तैयार हो चुकी है। यह गर्म है ता करके तुहानू ये पतली लग रही आ। हुण असी इस नूं एक भांडे विच कढ के ते फ्रिज च भी रख सकते, पर उस तो पहला असी थोड़े जिहे पाने मगज के दाने, तुसी चाहे तो खरबूजे के बीज भी दाने भी पा सकते हो। मैं ये मगज पाए आ, मगज पा के इसमें चंगी तरह मिक्स कर लिया। हुण एक भांडे विच कढ के असी फ्रिज 10 तों 15 मिनट रखना, पूरी तरह यह ठंडा हो जाए तो गाढ़ा भी हो जाएगा। 15 मिनट कंप्लीट हो गए, हुण असी इसनों फ्रिज तो बाहर कढ लिया। देखो कि किन्नी गाढ़ी हो गई आ, तो देखने चो भी लुकिंग कितनी वधिया है कि बिल्कुल हलवाई स्टाइल दे विच असी ये वाली चटनी बनाई आ। तो रैड सॉस जिन्हों कहते हैं, ये तुसी घर दे विच बहुत ईजी तरीके नाल बना के खा सकते हो। साडी ये चटनी की वीडियो वधिया लगी, तुसी वीडियो नू लाइक जिन्ना हो सकता फ्रेंड्स विच शेयर कमेंट करके जरूर दस्सो कि कितना दी वीडियो तुहानू लगी, ते चैनल मेरे नू सबसक्राइब जरूर करना।
ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਪੋਰਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਊ ਰੈਸਪੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।